ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है सावन की चतुर्थी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत खास, बहुत विशेष बनाती है। आज के टाइम पे बहुत सारे पेरेंट्स परेशान होते हैं, भैया हमारा बच्चा दिन भर फ़ोन चलाता है और किसी की भी बात पूरे घर में नहीं सुनता। तो ये वीडियो आपके लिए है, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको दो सुपारी लेनी होगी, छोटा सा उपाय करिएगा। जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ज़रूर करना, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कल होने वाले चार बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छे हैं, है ना। चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस प्यारी सी गुड़िया को जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ऐसे आपके भी बच्चे बहुत गुस्सा करते होंगे हर छोटी बात को लेकर, करते हैं ना। आपको क्या करना होगा, लेना होगा इस तरीके से सुपारी, है ना। आप किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाना, इस सुपारी को आपको जो लोग पान बेचते हैं वहाँ से मत लेना, क्योंकि वहाँ सुपारी खाने वाली मिलती है। हमें खाने वाली सुपारी नहीं चाहिए, हमें लेना होगा पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली। जाना उनसे कहना भैया दो सुपारी देना, दे देंगे आपको, ठीक है। लेना दो सुपारी। अब उन दो सुपारी का हमें पूजन अर्चना कुछ भी नहीं करना है। चतुर्थी तिथि के दिन, कोई सी भी चतुर्थी तिथि पड़े, उस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती जिस फोटो मूर्ति प्रतिमा में साथ में विराजमान हो, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो, नहीं, कोई भी फोटो हो, कोई भी मूर्ति हो, कोई भी प्रतिमा हो जिसमें भोले शंकर और माता पार्वती या फिर उनका पूरा परिवार एक साथ विराजमान हो, तो एक सुपारी आपको भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करनी होगी और दूसरी सुपारी आपको माता पार्वती यानी कि माँ सती के चरणों में समर्पित करनी होगी। समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, जो भी प्रार्थना होगी, जो भी याचना आपको करनी होगी कर लेना, कि हमारा बच्चा बहुत जिद्दी है, किसी की बात नहीं सुनता, हमेशा क्रोध करता है, आप इसके क्रोध को दूर कर दें। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद या फिर पूरा दिन जब बीत जाए चतुर्थी, तो अगले दिन इन दोनों सुपारियों को उठा करके आप अपने घर में किसी भी सुरक्षित जगह पर रख देंगे कि कोई इसमें रोके टोके नहीं कि ये क्या है वो क्या है, ऐसा करेंगे, ठीक है। समझ में आई क्या बात मेरी। तो इस उपाय को तो ज़रूर करना, अपने बच्चों के लिए बहुत ही आसान सा उपाय है, बस दो सुपारी तो सिर्फ चढ़ानी है, ज़रूर करना, ठीक है। चलो तो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय किसके लिए है समझो, ये जो दूसरा उपाय है ये है आपकी कोई भी मनोकामना अगर बहुत दिनों से अधूरी रह जा रही है, नहीं पूरी हो रही, या फिर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट है, आप ये सोचते हो कि मुझसे ज़्यादा दुखी इंसान कोई नहीं है ना, तो इस काम को करना। स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र, दिख रही ना, इसी तरीके से हमें भी लेनी होगी बहुत ही प्यारी सी पाँच बेलपत्र। कितनी, पाँच बेलपत्र लेना। इन पाँच बेलपत्र के साथ आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, और तांबे के लोटे में जल भरोगे कहाँ से, अपने घर से, ठीक है। इतना सारा काम कर लिया, इन दोनों चीजों को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। जब भी मैं वीडियो बनाता हूं आपको यह बात जरूर बताता हूं कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना चीज आपको। क्या करेंगे, जो आपके पास में पांच बेलपत्र है वो शिवलिंग पे पांच जगहों पे चढ़ाएंगे और पांच बार जल भी चढ़ाएंगे। ये बार मैं कई बार बता चुका हूँ, तो कल है चतुर्थी तिथि, तो इस उपाय को तो ज़रूर करना, ठीक है। देखो सबसे पहले जो सबसे पूजनीय देवता माने जाते हैं भगवान गणेश, तो जो एक बेलपत्र आपके पास में है वो चढ़ाओगे भगवान गणेश के स्थान पर, और यहीं पर आपको फिर एक मतलब थोड़ा सा जल, एक लोटा जो जल है ना उसी में से थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना, ठीक है। पहला बेलपत्र हो गया। जो दूसरी बेलपत्र होगी भगवान कार्तिकी के स्थान पे समर्पित करोगे, बिल्कुल सीधा सीधा हर जगह पे समर्पित करना है, उल्टा नहीं समर्पित करना, ठीक है। और उसके बाद समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल फिर से यहां पर समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, दो जगह हो गया। तीसरी जगह आपको समर्पित करनी होगी जो भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है। डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ, ठीक है, समर्पित करना। और थोड़ा सा जल उसी कलश में से फिर से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। तीन जगह हो गया, अभी आपके पास दो बेलपत्र और बची है। अब एक बेलपत्र, ये जो जगह है आपको दिख रही है, ये है माता का हस्तकमल यानी कि माँ पार्वती का हस्तकमल। तो जो आपके पास में चौथी बेलपत्र है वो आप यहां पे समर्पित करना, और समर्पित करने के बाद यहां पर भी उसी कलश से थोड़ा सा जल समर्पित कर देना इसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है, समर्पित कर दिया। चार जगह हो गई, अब आपके पास मात्र एक बेलपत्र और बची है। अब एक बेलपत्र को आपको फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस एक बेलपत्र को समर्पित करना, उल्टा समर्पित करना है। डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ, ठीक है।
बाकी का जितना बचा हुआ जल आपकी कलश में है ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए इस पांचवी बेलपत्र के ऊपर जो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपने समर्पित की है उस पर समर्पित करोगे, तो जो जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। दाहिने हाथ में राइट हैंड में इस जल को लेना, अपने दोनों आँखों पर लगा करके अपनी विश वहीं पर कह देना। ये पाँच बेलपत्र और पाँच बार जल चढ़ाने वाला उपाय अगर आप कर लेंगे ना, तो आपकी सारी विशेज पूरी होंगी, लाइफ के सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई क्या बात मेरी? चलो, तो दो उपाय की बात यहाँ पर हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय आपको करना होगा दूरवा से, लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे करेंगे, उससे पहले छोटा सा काम, और वह है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले फ़ायदे क्या हैं इसका? एक फ़ायदा बहुत बड़ा है कि अगर आपके घर में क्लेश बहुत ज़्यादा होता है, हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं हर किसी से, हर छोटी बात को लेके कोई ना कोई एक दूसरे को डांट देगा, कोई किसी से मुंह फुला लेगा, ऐसी सिचुएशन अगर आपके घर में बन रही है ना, तो आपको लेना होगा इस तरीके से दूरवा। ठीक है, कितनी दूरवा लोगे? सात दूरवा, गिन करके सात दूरवा लेनी है, ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, दूरवा ले लिया। दूरवा के साथ हमें लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। इस उपाय को करने के लिए हमें पीला चंदन ही लेना है। ठीक है, इस पीले चंदन को पाउडर के फॉर्म में लेना, छोटी सी कटोरी में पाउडर को डालना और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अपने हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। ठीक है, मिक्स कर देना और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों चीजों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। जो बताऊंगा मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है। ये जो जगह आपको दिख रही है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, है ना, पता है आपको। आप क्या करेंगे, जो आपके पास में आपने अच्छे तरीके से पेस्ट बना रखा है पीले चंदन का, सबसे पहले उस पीले चंदन का लेपन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अच्छे तरीके से कर देनी, जितना अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं लेपन कर देना। ठीक है, लेपन हो गया, उसके बाद आपके पास में दूरवा होगी, सात दूरवा है ना, उस सात दुर्वा को आपको यहीं पर पीले चंदन के ऊपर ही रख देना होगा। डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती का मुख होगा महादेव की तरफ। ठीक है, रख देना, हाथ जोड़ करके जो भी विनती वगैरह करनी होगी विनती कर लेना। ठीक है, उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। ठीक है, जब जल को समर्पित करोगे तो जल क्या होगी, बहती हुई यहीं जलाधारी से इस दुर्वा और इस चंदन से होती हुई नीचे गिरेगी। इस जल को जितना रोक सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आप इकट्ठा कर लेना, रोक लेना। ठीक है, रोकने के बाद ये जो सात दूरवा आपने यहाँ पर समर्पित कर रखी है, इस सात दूरवा को उठाएंगे और इसी कलश में डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद इसको लेके चले जाएंगे आप अपने घर पे, और उसी दूरवा से जो जल आपने महादेव के शिवलिंग से रोक रखा है, उसी दूरवा से आपको पूरे घर में पानी को छिड़क देना है, छिड़काव कर देना है, डाल देना है। ठीक है, बस वॉशरूम में मत छोड़ना, बाकी जितने भी रूम्स हैं आपके कमरे में, मतलब आपके घर में जहाँ पर भी हैं वहाँ पर डाल देना, घर के बाहर डाल दो, अंदर कहीं पर भी, बस वॉशरूम में करना। जो भी व्यक्ति हफ्ते में एक दिन किसी भी दिन इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, हमेशा प्रेम बना रहता है और आपसी एकता तो हमेशा बनी ही रहती है। समझ में आई क्या बात मेरी? तो इस उपाय को तो जरूर करना होगा। तो तीन उपाय हो गए, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग आखिरी उपाय यानी कि चौथे उपाय। चौथा उपाय बहुत ही प्यारा है, कई बार बता चुका हूं कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से अगर बीमार चल रहा है तो भी इस उपाय को कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई विश है, मनोकामना है, काफी दिनों से अधूरी रह जा रही है तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। ठीक है, समझेंगे। स्क्रीन पर यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? ये आपके सामने दूध है, ये आपके सामने घी है, ये आपके सामने शहद है, ये आपके सामने दही है और ये आपके सामने मिश्री है। इन पांचों चीज़ों को मिक्स कर लोगे तो क्या बन जाता है? पंचामृत। क्या बनेगा? पंचामृत। जिनके पास मिश्री नहीं है वो गंगा जल ले सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कोई से भी इन पाँच चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करोगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? पंचामृत बन जाएगा, है ना। अब उसके बाद हमें लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, मात्र एक बेलपत्र लेना। इस एक बेलपत्र को लेके और पंचामृत को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, सबसे पहले उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखोगे। डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती का मुख होगा महादेव की तरफ। समझ में आई क्या बात मेरी? अब देखो, जो आपके पास में पंचामृत है ना, जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती होती है, बड़ी वाली पत्ती, उस बड़ी वाली पत्ती पर आपको सिर्फ और सिर्फ उस पंचामृत को रख देना होगा। ज़्यादा बना के मत लाना, जितना भी लेके आए हो उसको वहीं पर बड़ी पत्ती पे रख देना।
रखने के बाद आपके जीवन के जो कष्ट हो, बीमारी हो, धन संपदा जो कुछ भी है सारी बातें कह देना। उसके बाद क्या करेंगे, जिस पत्ते पर आपने पंचामृत को रखा हुआ है ना, उसी पत्ते पर से, बेलपत्र को मत उठाना, सिर्फ और सिर्फ पंचामृत को उस बेलपत्र के ऊपर से उठाओगे और महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए स्मरण करते हुए, ठीक है, समझ में आई क्या बात मेरी। इस तरीके से कर लेना और उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग ऊपर समर्पित कर देना। और आपको कुछ भी करना नहीं है, जो भी व्यक्ति हफ्ते में एक दिन या फिर किसी भी विशेष दिन, जैसे कल चतुर्थी है आप कल कर सकते हो, सोमवार को कर सकते हो, प्रदोष के दिन करो, मासिक शिवरात्रि, किसी भी विशेष दिन इस उपाय को करता है, पंचामृत को बेलपत्र पे रख करके और उस बेलपत्र से पंचामृत को उठा करके महादेव के शिवलिंग का लेपन कर देता है, महादेव उससे बहुत खुश होते हैं, उसके सारे कष्ट को दूर करते हैं। समझ में ही बात। तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने चार बहुत ही सुंदर से उपाय की बात की है। कोई भी उपाय अगर आपको समझ में नहीं आया नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जो भी भाई बहन अचानक से चैनल पे आ गए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।